जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम आपको सिखाने वाले हैं सबसे इजी लेसन, और लेसन का नाम है हाउ। हाउ का हम यूज करते हैं साधन के लिए। हम अपने लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो आने जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी की बोलचाल में हम बहुत यूज करते हैं। अगर आप हिंदी में बोलते हो, सपोज दैट आपसे कोई पूछा, ये बताओ भाई आप कैसे स्कूल जाते हैं, तो एक वर्ड आया इसमें हाउ। तो हाउ का हम यूज करते हैं किसके लिए, साधन के लिए। किसके लिए, साधन के लिए, ठीक है। गो टू, सपोज दैट आपका एक्शन है गो टू मार्केट। जिससे आपका एक मित्र है, उसने बोला बताओ भाई आप मार्केट कैसे जाते हो, यानी बाजार कैसे जाते हो। तो कैसे बताओगे, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हाउ लगा दो पहले। हाउ, अब यहाँ पे लिखा है डू यू, एक्शन, आई एक्शन हमने पहले से ऑलरेडी लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप पहले हाउ लगाओगे, हाउ डू यू गो टू मार्केट, एक्शन आपका मान लीजिए यहाँ पे विलेज है। हाउ डू यू गो टू विलेज, आप गांव कैसे जाते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया हाउ, कैसे जाते हो। तो जब भी अगर आपको कहीं आना जाना कहीं हो, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और बोल सकते हो कि हाउ लगा के आप कॉलेज कैसे जाते हो, संगम कैसे आते हो, और इलाहाबाद कैसे आते हो, ऑफिस कैसे जाते हो। ये वर्ड आप हमेशा हिंदी में बोलते हो, तो अंग्रेजी के बोल चाल में आप बना सकते हो, वेरी इजी है। तो हाउ डू यू गो टू विलेज, गाँव कैसे जाते हो। मैं गाँव जाता हूँ टैक्सी से, मैं गांव जाता हूँ मोटरसाइकिल से, मैं गांव जाता हूँ उस बस से जाता हूँ। तो आप जैसे जाते हैं आंसर दे सकते हैं। तो आपको आंसर देना है मैं गांव जाता हूँ आई गो टू विलेज। पहले आप इतना बनाइए, मैं गांव जाता हूँ आई गो टू विलेज, ये आपका बन गया मैं गांव जाता हूँ। अब किससे जाते हैं, आप जिससे भी जाते हैं यहाँ पे बाई लगा के बोल सकते हो। जिससे भी आप जाते हैं, अगर आप साइकिल से जाते हैं तो साइकिल लिखिए, मोटरसाइकिल से जाते हैं मोटरसाइकिल लिखिए, अगर आप बस से जाते हैं तो बस लिखिए। आप जिससे भी जाते हैं आप बोल सकते हैं मैं गाँव जाता हूँ बस से, आई गो टू विलेज बाय बस, बाय ट्रेन यूज कर सकते हो। जैसे सपोर्ट दैट आपका एक मित्र है, उसने बोला था आप कॉलेज कैसे जाते हो, आपके पास कोई साधन है नहीं, तो आप उसको आंसर बता सकते हो कि मैं कॉलेज जाता हूँ मोटरसाइकिल से, आई गो टू कॉलेज बाय मोटरसाइकिल, या फिर बाय बस। ऐसे आपको बनाना, वेरी जी, आप इसमें कोई घबराने की बात आपको नहीं है। सो कैसे बनाना है आपको, आई गो टू आपका जो पहले है आप बनाना है, और उसके बाद जिससे आप जाते हैं बना सकते। तो आपको हाउ हमने सिखाया है किसके लिए, साधन के लिए। हम हाउ का यूज हम बहुत जगह करते हैं, बट मैं आपको हाउ बस इजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बोलने में आपको इजी हो। सपोज दैट आप स्कूल कैसे जाते हो, मैं अगर आपसे पूछूँ भाई आप स्कूल कैसे जाते हो, तो कैसे आप पूछेंगे हमसे। चलिए आप हमसे पूछे कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे बनाएंगे हाउ डू यू गो टू। अब यहाँ पे विलेज, आपका एक्शन क्या है, एक्शन मान लीजिए गो टू मान लीजिए इलाहाबाद। अगर स्कूल है हाउ डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय टैक्सी, वेरी इजी है। अगर हम बात करें तीसरे व्यक्ति के लिए, वो कैसे जाता है, तो आपको हाउ पहले लाना है और डज लगाओ, हाउ डज। अब आपको बनाना क्या है, हाउ डज ही। अगर मान लीजिए क्या वो स्कूल जाता है, इतना ही समझिए पहले, क्या स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वहाँ स्कूल जाता है, लिख हाँ वहाँ स्कूल जाता है, ही गोज, वहाँ स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये तो बन गया इतना। लेकिन अगर हम अगर आपसे पूछे कि वो स्कूल कैसे जाता है, कुछ करना नहीं, आप यहाँ पे हाउ लिख दीजिए, क्या बनाना है आपको, हाउ लिख दीजिए। अब ये बन गया वहाँ स्कूल कैसे जाता है, वेरी इजी है, आप हाउ लगा के बोल सकते हो। अब वहाँ स्कूल जाता है मोटरसाइकिल से, ही गोज टू स्कूल बाय, अब जिससे भी जाता है आप बना दीजिए, ही गोज टू स्कूल बाय मोटरसाइकिल, या फिर बाय बस, वेरी इजी है। आप मैहर कैसे जाते हो, कैसे बोलेंगे आप, हाउ डू यू गो टू मैहर, आई गो टू मैहर बाय ट्रेन, वेरी इजी है। आपको वो कैसे मैहर जाता है, मेरा भाई कैसे मैहर जाता है, तो तीसरे व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे आपको मेरे पिताजी ऑफिस कैसे जाते हैं, तो कौन है, तीसरे व्यक्ति हैं। तो आप तीसरे व्यक्ति के लिए ऐसे ये बारे में यूज करेंगे। और अपने अगर उसमें बनाना है डू के लिए, आप बोलोगे आप कैसे जाते हो ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय मोटरसाइकिल, वेरी इजी है, ऐसे बनाना। अगर पास्ट में अगर आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, मैं इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। पास्ट में अगर बनाना हो, जैसे मान लीजिए आप गांव कैसे गए थे,
मित्र ने बोला बताओ भाई कल आप दिखाई नहीं दिए। अब उसने कहा कि मैं गांव गया था, आई वेंट टू विलेज। उसने कहा भाई आप कैसे गए थे, तो कैसे बनाओगे, पहले इतना बनाओ, डिड यू गो टू विलेज, क्या तुम गांव गए थे, डिड यू गो टू विलेज। मैं गांव गया था, तो कैसे बनाओगे, आई वेंट टू, ठीक है, आई वेंट टू विलेज, आई वेंट टू विलेज, मैं गांव गया था, वेरी इजी है। अगर हम आपसे पूछें कि भाई आप कैसे गांव गए थे, यहाँ पे हाउ कर दो, पहले बन गया, हाउ डिड यू गो टू विलेज, आई वेंट टू विलेज बाय, अब आप जिससे गए थे बता सकते हैं, वेरी इजी है, बाय टैक्सी, बाय मोटरसाइकिल, बाय बस, बाय ट्रेन, वेरी इजी। आप बता सकते हो आप मैहर कैसे गए थे, आप अमेरिका कैसे गए थे, कैसे बताएंगे, हाउ डिड यू गो टू अमेरिका, आई वेंट टू अमेरिका बाय एरोप्लेन, वेरी इजी है, ऐसे मतलब बनाना है। तो आप अंग्रेजी के बोलचाल में बहुत बोलते हो, आपको ऐसे बनाना है। अब तीसरे व्यक्ति के लिए अगर बनाना है कि वो कैसे गया था, कुछ करना नहीं है, हाउ को पहले लाइए, हाउ डिड ही क्या बनाना है, हाउ डिड ही, अब क्या बनाना है, गो टू, आपका एक्शन जैसे मान लीजिए कोई भी एक्शन ले लीजिए, आप दिल्ली कैसे गए थे, यानी आप दिल्ली कैसे गए थे, हाउ डिड यू, ठीक है, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, आई वेंट टू बाई ट्रेन, ठीक है, आई गो, ठीक है, आई वेंट टू विलेज बाई ट्रेन, वो कैसे दिल्ली गया था, हाउ डिड ही, ठीक है, हाउ डिड ही गो टू दिल्ली, दिल्ली ही वेंट टू, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, ऐसे आपको बनाना है। जिससे भी गए थे आप बता सकते हो, मोटरसाइकिल गया था, फोर व्हीलर से गया था, आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली बाय फोर व्हीलर, वेरी इजी। ऐसे अगर फ्यूचर में बनाना है तो वो भी आप देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, ऐसे आपको बनाना है फ्यूचर में, आपको बता रहा हूँ कैसे आप फ्यूचर में बनाएंगे, वेरी इजी है, फ्यूचर में भी आप बना सकते हो, कुछ करना नहीं है आपको, फ्यूचर में कैसे आपको बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैसे गांव जाओगे, फ्यूचर में अगर हम आप बोले कि ये बताए भाई आप कैसे गांव जाओगे, सपोर्ट दैट आपका एक मित्र है, उसने बोला ये बताओ भाई आप इलाहाबाद कैसे जाओगे, आपके पास तो कोई साधन है नहीं, तो आप कैसे बताओगे, हाउ को पहले लाइए, उसके बाद मान लीजिए मैं हाउ को नहीं लिखा, हटा दिया, क्या आप ऑफिस जाओगे, कैसे बनाओगे, पहले फ्यूचर है, फ्यूचर कोई देखा नहीं है, विल यू गो टू ऑफिस, विल यू गो टू ऑफिस, क्या ऑफिस जाओगे, मैं ऑफिस जाऊंगा, तो क्या है, फ्यूचर की बात है, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा, आप ऑफिस कैसे जाओगे, अब आप हाउ करोगे, क्या लिखोगे, हाउ विल यू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस बाय मोटरसाइकिल, बाय बस, बाय टैक्सी, वेरी इजी, ऐसे आप बना सकते हो। तो हम हाउ का यूज करते हैं साधन के लिए, आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी, आप बोल सकते हो वो कैसे ऑफिस जाएगा, हाउ विल ही गो टू, हाउ विल ही गो टू, आप एक संजाब जो भी आपका है बना सकते हो, वेरी इजी है, ऑफिस मान लीजिए ऑफिस ही गो टू ऑफिस, ठीक है, हाउ विल गो टू ऑफिस, ही विल गो टू ऑफिस बाय बस, वेरी इजी, ऐसे आपको बनाना है।